गाइस, दिस इज नवीद इलेक्ट्रिशियन। आज के इस वीडियो में हम ये TVS सेल्फ मोटर का सोलनर स्विच रिपेयर करने वाले हैं। सो वीडियो पूरा देखिए, बहुत ही नॉलेजेबल होने वाला है। अगर आप ये वीडियो पूरा देख लेते हैं तो आप भी अपने गाड़ियों का, चाहे कोई भी गाड़ी हो आपकी, का ऑटो से लेकर लारी तक कोई भी गाड़ी का हो, रिपेयर कर सकते। सबसे पहले देखो, ये सोलनर स्विच हम चेक करेंगे। मेरे पास ये है दो वायर, प्लस और माइनस। ये देखो, मैं माइनस लगा दिया और ये है प्लस। ये देखो, नहीं आ रहा, मतलब खींच रहा नहीं है। बाहर अंदर की तरफ पिस्टन को खींचना पड़ता है, तब अगर खींच रहा तो मान लो ओके, नहीं खींच रहा तो देखेंगे आखिर इसका प्रॉब्लम क्या है। ओके, तो खैर अब मैं इसका पिस्टन निकाल लिया। अब इसका पहले कैप खोलेंगे, ऊपर की तरफ से खुलता है कैप। ये देखो, स्क्रू से खोल दे रहा मैं। बहुत से सोलनर स्विच ऐसे भी होते हैं जिसको 7 नंबर का या 8 नंबर का बोल्ट भी आता, उसको मतलब टी पाने से खोलना पड़ता। तो इसको तो स्क्रू है, तो खैर मैं स्क्रू ड्राइवर से खोल ले रहा हूँ। अगर आपके भी गाड़ियों में चाहे वो पाना हो या स्क्रू हो, जिससे जो खोल सकते आप। इसके बाद देखो, ये दो वायर सॉल्डरिंग किए हुए रहते हैं। सबसे पहले सॉल्डरिंग से निकालना पड़ता है इसको। ये तो मेरा ये सॉल्डर गर्म है, मैं सॉल्डरिंग करके निकाल ले रहा, देख सकते हैं आप लोग। दो तरफ रहते, ये देखो एक तरफ का निकल गया हल्के से और एक तरफ का गर्म करके साइड से, जैसा ही गर्म हुआ ऐसा उठा देने का, मतलब ये देखो ऐसा उठा दिए, निकल गया। और ये दूसरी तरफ है, ये दूसरी तरफ भी क्या है, गर्म करेंगे हम, गर्म करके ये देखो ऐसा उठा देना। सो ओके, निकल गया। अब देखेंगे इसमें आखिर प्रॉब्लम क्या है, चलिए प्रॉब्लम चेक करेंगे इसका। सबसे पहले ये थोड़ा सॉल्डर, मतलब लेड जो है निकाल देंगे। उसके बाद अब ये देखो, ये पॉइंट है, ये SS पॉइंट बोलते हैं इसको, इसको खैर बाद में देखेंगे। ये देखो एक वायर दिख रहा है इधर, बारीक वाला, और ये कैप है। ये थोड़ा मट्टी और डस्ट वगैरह चलेगा इसको, इसको साफ़ करो, नहीं भी करे तो चलता। अब इसमें हमको प्रॉब्लम देखेंगे। ये देखो सोलनर स्विच, कोई भी काम करने से पहले सामान को अगर अच्छे से साफ़ कर लेना तो क्या इंटरेस्ट अच्छा आता काम करने में, और क्या है वो चीज़ ज़्यादा दिन टिक, अगर साफ़ करके लगाएंगे हम, फिट करेंगे तो ज़्यादा दिन चलेगी। ओके ना, तो सब मानते हैं इस बात को। देखिए ये एक दो वायर दिख रहे हैं हमको बाहर की तरफ, और ये जो ग्राउंड वायर है, मतलब अर्थिंग लगा हुआ है, ये अर्थिंग है। और ये सिंगल वायर जो है, इसके अंदर और एक मेन वायर रहता मोटा वाला, जैसा आप ये लेफ्ट साइड में देख रहे हैं ना, वैसा मोटा वायर रहता। इसको पहले क्या खोल के देखेंगे। ये खोलने के लिए क्या है, इसको रिबिट रहता पूरा, रिबिट क्या हुआ रहता, रिबिट से मतलब रिबिट खोल के इसको सोलनर स्विच को बाहर निकालना पड़ता। तो कैसा निकालते ये देखो, स्क्रू ड्राइवर लिया मैं, और ये जो सारा जो पंच किया हुआ है एरिया है ना, इसको खोलना पड़ता, मतलब ऐसा मार के, जैसा मैं कर रहा आप देख सकते। ये पूरा देखो कैसा निकाल रहा मैं, तो हाँ यहाँ पर हमारी वाइंडिंग निकल चुकी है। सोलनर स्विच के अंदर क्या रहता क्या नहीं, इस वीडियो में देख सकते आप। ये देखो अंदर कॉपर का वाइंडिंग किया हुआ है, दो किस्म के वायर है, एक मोटी वाली और एक बारीक वाली। तो इसमें ये देखो मोटी वाली एक वायर है और उसके साथ में एक बारीक वाली वायर है। तो उसके अपोजिट डायरेक्शन में भी एक मोटी वायर रहना और एक बारीक रहना, पर यहाँ सिर्फ एक बारीक वायर ही है। इसका मतलब मोटी वायर टूट गई। ये देखिए, आप पहले इसको थोड़ा बाहर निकालेंगे ताकि वो प्लास्टिक में थोड़ा जगह मिले हमको वायर बाहर निकालने के लिए।
इसको थोड़ा मैं मार के सरका ले तुम देखते रहो। ये देखो इसमें एक वायर बाहर दिख रहा बारीक वाला, और जब कैप हटा रहा हूँ मैं तो दो वायर दिख रहे, मतलब एक बारीक एक मोटा वायर है, यानी ये मोटा वायर था पर टूट गया अंदर से। अब इसको हम क्या करेंगे, पहले बाहर निकालेंगे। ये देखो दो वायर दिख रहा ना आपको, ये देखो इधर दो वायर है, एक मोटा है और एक बारीक है। सेम इसी तरह, मतलब ये जैसा है उसके अपोजिट में भी ऐसा दो वायर रहते। तो इसके लिए पहले हम ये अर्थिंग वायर निकाल के थोड़ा रास्ता बनाएंगे इसको, ताकि ये आसानी से बाहर आ सके वायर। ये देखो निकल गई, इसको थोड़ा हटा देंगे। अब देखो ये सुई है, सुई की मदद से मैं निकाल रहा हूँ। देखो कटिंग प्लेयर से दबा दिया, अभी अच्छे से देखो ये और एक वायर है मोटा इसके अंदर में, अगर वो मोटा वायर निकाल के हम उसको इस बारीक वायर से जोड़ देंगे तो काम करना चालू कर देंगे। ये देखिए यही है वो वायर मोटा, इसको हम बाहर निकालेंगे। ये क्या बहुत टाइट रहता बैठा हुआ, ताकि ये अंदर से फर्स्ट वाइंडिंग यहीं से शुरू होता है इसका, इसलिए क्या इतना दिक्कत कर रहा। ये पहले बारीक वायर निकाल लेंगे ताकि मोटी वायर निकालने में आसानी हो। ये देखिए पहला ये वायर, ये देखिए अभी आ रहा बाहर, ये साला सतारा बहुत। ये देखो थोड़ा हल्का सा बाहर आ गया, अब क्या करेंगे कटिंग प्लेयर ला खींचेंगे इसको। ये देखो खींचे बाहर आ रहा है आहिस्ता से। अब इसको क्या करेंगे हम, मतलब एक राउंड कम कर देंगे इसका। ये देखो ये वायर इसके आड़े आ रहा, इसको खोल दिए, मतलब ये देखो इसका बारीक वायर है, ये मेन वाले है दो, एक राउंड कम हो गया। अब ये इसको हम अभी थोड़ा सा निकाल दिए, एक राउंड इसको पूरा बाहर निकालना। ये देखो यहाँ तक आने से आधा हो गया, आधा राउंड कंप्लीट हुआ। अभी और थोड़ा खींच रहे, ये देखो एक राउंड, मतलब एक बार घुमा देंगे तो कंप्लीट हो जाता है। तो एक राउंड कम कर देंगे हम, एक दो राउंड कम करने से कुछ प्रॉब्लम नहीं होने वाला है, ये काम कर लेता अच्छे। तो ये देखो ऐसा इसमें ऐसा अंदर डाल देना, मतलब जो वायर टूटा था वो भी इसी तरह बाहर आके था, पर वो क्या किसी वजह से टूट गया। तो खैर वो जैसा था उसको ये वायर पे हम पुराना एक राउंड कम करके डाल देंगे होल में से। और उसके बाद ये बारीक वायर तो आप लोग देखे कैसा था, ये भी क्या उसके साथ में बाहर डाल देंगे प्लास्टिक वाले होल से। ये क्या है प्लास्टिक का मटेरियल है ऊपर, ताकि वाइंडिंग शॉर्ट ना हो और अर्थिंग नहीं होना, शॉर्ट सर्किट नहीं होना बल्कि। ओके ये देखो इधर से बारीक वायर डाल दिया मैं, और ये जो बारीक वायर है बचा हुआ ये अर्थिंग का है। अभी ये जो हम पहले बाहर निकाले वो मेन का है, और ये जो वायर है ये दो अर्थिंग का है। तो ये देखो ये मोटा वाला मेन वायर जो है पहले से ही था, ये आप देखे सॉल्डरिंग करके निकाला मैं, ये अर्थिंग का हो गया मोटा वायर, और इसके साथ में ये बारीक वायर। ये देखो दो राउंड निकल गए थे ये, तो ये एक राउंड कंप्लीट हुआ, ये दूसरा राउंड। इसको क्या है, मतलब जैसा निकाले वैसा होल में से, मतलब पहले प्लास्टिक के गाले में से गुजरता, फिर बाद में ये आयरन में आ जाता है, लोहे में आ जाता, फिर बाद में क्या है इसको, ये देखो दो गाले है, मतलब नाली की तरह है जो वायर बैठने के लिए, मतलब इधर उधर वो आपस में टच नहीं होना बोलिए। फिर ये भी वायर क्या है प्लास्टिक के गाले में से फिर ये आयरन के गाले में आके बैठता, ये बिल्कुल जैसा अभी मैं बिठा रहा वीडियो में ऐसा ऐसा बिठा लेने का। यहाँ देखो अच्छे से दो गाले इधर भी है, दो गाले उधर भी है, बैठ गए। अब ये जो तांबे का पाइप था वो बाहर है, इसको क्या है मार के अंदर कर लेंगे हम बिल्कुल इस तरह। देखिए इस वीडियो में ये मैं अंदर मार के अंदर ढकल लिया, और ये अर्थिंग वायर है जो स्क्रू से स्क्रू ड्राइवर से निकाल रहा मैं, ये ग्राउंड वायर बोल दे तो, मतलब ये बॉडी को वहीं टच हो जा रहा, मतलब एक राउंड घूम घूम के, मतलब पूरा राउंड घूम के यहीं पर बॉडी में ग्राउंड हो जा रहा हो। और ये दूसरे जो दो मेन वायर है ये उपड़ जाते, और ये जी अभी ये देखो ये कंप्लीट हो गया। अब इसको पेपर लगा दो, जैसा निकाले हम पेपर या टेप कुछ भी लगा सकते, मतलब प्रोटेक्शन के लिए देता है ये कंपनी वाले, मतलब शॉर्ट नहीं होना करके इसलिए देते। अब क्या करेंगे हम, ये जो सोलनर स्विच का बॉडी है इसको रिबिट था ना पहले, हम क्या मार के निकाले, तो फिर से ये अच्छे से रिबिट बैठना बोल के इसको ये बाहर खोल देना। खोल लिया मैं, अब इसको क्या करो जैसा निकाले वैसा पेपर तो लगा दे रहा मैं, उसके बाद अब जैसा निकाले वैसा ही बिठा देना है। बिठाते वक्त एक गौर करो, ये देखो ये जो पाइप है पिस्टन वाला, ये पाइप इसके बराबर आना बाहर, आने के बाद फिर थोड़ा इसको हथौड़ी से मारो, ताकि जितना जाना चाहिए हो उतना जाना ज़रूरी है, नहीं तो क्या अगर पिस्टन बराबर अंदर नहीं गया ना तो उसके पॉइंट्स काम नहीं करते, अंदर के पावर क्या पास नहीं होता करंट।
इसलिए मार के बिठा दिए। अब यहाँ मेन है, ये जो कैप बिठाने से पहले एक गौर करना पड़ता आपको, ये दो बोल्ट जो है 10 नंबर के, इसके अपोजिट डायरेक्शन में ये 12 नंबर के दो बोल्ट आना, इसलिए थोड़ा सा घुमा लिया मैं इसको। ये देखो ये दो बोल्ट सीधे है तो ये आड़े में आना, मतलब दो बोल्ट जो 10 नंबर के है उसके अपोजिट डायरेक्शन में ये जो 12 नंबर के बोल्ट आना, ऐसा ही बिठा दिए। बिठाने के बाद ये देखो तांबा, अगर तांबे के जो वायर दो है ये सोल्डरिंग के अपोजिट में आ रहे, उस आ रहे ना, तो अब इसको क्या करो, बैठ गया समझ लो, ये पैक हो गया। अगर आपको समझ नहीं आ रहा तो ये वीडियो को बार बार देख सकते पॉज करके, अभी मैं रिपीट कर दे रहा हूँ, इसको देखते रहिए। तो यहाँ पर रिपीट हो गई। अब मेन काम है इसका कैप फिट करना। कैप कैसा फिट करना बोले तो ये दो वायर है और यहाँ सिंगल वायर है, तो अब हमको क्या करना है, पहले कैप देख लो बैठ रहा नहीं बैठ रहा, 10 नंबर के दो बोल्ट के अपोजिट में ये 12 नंबर के दो बोल्ट बैठना। तो सबसे पहले रिपीटिंग तो हो गई अच्छे से, और एक बार ट्राई कर लेंगे। हो गई रिपीटिंग, परफेक्ट हो गई। अब ये देखो यहाँ 3 वायर बचे हमको, ये सिंगल वायर एक है और यहाँ दो डबल वायर, यहाँ दो है वायर, तो इसको पहले काट लेंगे, ये बहुत बड़े हो गए। अब ये दो वायर जो है ये चाबी गड्ढे को जाते, मतलब जैसे आप सेल्फ मारते तो ये दो वायरों में करंट आने से सोलनर स्विच काम करता और सेल्फ स्टार्टर मोटर को घुमाता। तो सबसे पहले इसका ऊपर जो तांबे का जो पानी चढ़ा हुआ है कॉपर में, इसको साफ़ करेंगे, ताकि मतलब अगर इसके ऊपर से लगाएंगे हम तो करंट पास नहीं होता इसके अंदर, तो इसके ऊपर का मतलब जो कलर है पानी वाला उसको साफ़ करेंगे। देखो एक्सल ब्लेड से कर सकते हैं या रेगमल पेपर से कर सकते हैं, मेरे पास अब स्क्रू ड्राइवर है तो मैं इससे कर दे रहा हूँ साफ़, आप भी देख सकते हैं बिल्कुल ऐसा ही साफ़ करना, ताकि करंट इसमें अच्छे से परफेक्टली पास हो सके। ओके, उसके बाद ये देखो यहाँ दो वायर थे लगा दी, अभी ये पॉइंट है उसका, सोलर स्विच पॉइंट बोलते हैं, SS पॉइंट भी बोल सकते हैं इसको, इसको साफ़ कर लो, ताकि सोलर स्विच काम करना अलग है और ये जो पॉइंट्स आपस में टच हुए तो करंट सेल्फ मोटर के अंदर जाता, तो उसके लिए ये सोलर स्विच के पॉइंट्स सही रहना ज़रूरी है। तो इसको थोड़ा फाइल मार लो या फिर रेगमल पेपर से साफ़ करो, या फिर एक्सल ब्लेड है तो उससे भी कर सकते हैं आप, मेरे पास फाइल है तो मैं फाइल से साफ़ कर ले रहा हूँ, ये देखो। उसके बाद और ये कैप है, कैप के ये दो बोल्ट जो है ये जाके इसमें आपस में टकराता है, टकराने से क्या है, ये जो बैटरी का वायर एक बोल्ट से लगा हुआ रहता, ये पॉइंट टच होने से वो करंट क्या है सेल्फ मोटर के अंदर घूम चले आता, जिससे सेल्फ मोटर घूमता और इंजन स्टार्ट होता। तो ये बोल्टों को भी साफ़ कर लो अच्छे से, अब खोले ही खोले काम में काम क्या है, साफ़ कर लिए तो और थोड़ा ज़्यादा दिन सर्विस देते ये चीज़ें, तो ओके साफ़ कर लिए। अब ये पिस्टन एक बार बिठा के देख लो कि बराबर बैठ रहा है या नहीं बैठ रहा, ये देखो एकदम पिस्टन बराबर है, तो अभी एक बार चेक कर लेंगे। ओके, ये करंट है और इसमें मेन अर्थ कुछ भी नहीं रहता, कैसा भी चेक कर सकते, ये देखो काम कर रहा, अभी लगाते खींच रहा है, ये देखो लगाए खींच, लगाते मतलब जैसे करंट दिए अंदर की तरफ खींच लेना, मैग्नेट बनता है इसके अंदर, मैग्नेटाइज होता है, सट्ट बोल के खींचता है, ये देखिए। देखिए कुछ इस तरह काम करता है सोलनर स्विच। अब क्या करना है, हमको पैक करना है, तो इसके ऊपर कैप में जो सोल्डरिंग का आयरन बचा हुआ था सोल्डर का, उसको निकाल देंगे हम लेड को, ताकि ये नया वायर वहाँ से आसानी से बैठ सके, तो गर्म करके थोड़ा सा मारे या झटका दिए तो भी निकल जाता, दो तरफ का निकालना पड़ता हमको, एक तरफ का निकाला और ये देखो ये दूसरी तरफ का, इसको भी निकाल दे रहा, ये वायर देखो जो दिख रहा ना आपको, ये वही वायर है जो टूट गया था, और ये इस वायर के टूटने की वजह से हमको वो जो वायर एक राउंड हम कम करके लिए, मतलब अंदर से घुमा के खींच के बाहर निकाले, वो यही वायर है, इसके टूटने की वजह से वो वायर को अपन बाहर निकालना पड़ा। ये देखो निकलता होगा, अभी सोल्डरिंग से निकल जाता है,
ये देखो गिर गया, यही वायर इतना सा वायर टूटा, इसकी वजह से क्या है वो सोलनर स्विच काम नहीं कर रहा। तो अभी पॉइंट्स बिठा देंगे, ये देखो बिल्कुल ऐसा ही बिठाने का लगे, तो आप वीडियो पॉज करके देख सकते। और ये सिंगल वायर है इधर, ओके, ये एक वायर बॉडी को, ये दो डबल जो वायर है ये बाहर आते, बाहर मतलब चाबी गड्ढे से जब हम सेल्फ मारते तो इसमें आता करंट, वो यहाँ बैठना, जिसको 8 नंबर का नट है और छोटा सा क्लिप के टाइप में पिन है उसमें ये बैठना दो वायर, और जो सिंगल वायर आ रहा वो 12 नंबर के बोल्ट के बाजू वाले प्लेट में बैठना, ओके। ये देखो पहले ये 8 नंबर वाले मतलब चाबी को करंट जिससे आता, चाबी से आने वाला करंट बैठ गया, उसके बाद अंदर पॉइंट्स बैठे नहीं बैठे चक्कर लेने का, ये देखो ऐसा, ओके। ये देखो पॉइंट थोड़ा क्रॉस है तो मैं सीधा कर लिया, ये देखो बैठ गया, उधर के वायर तो पहले ही निकल गए चाबी से करंट आने वाला, और ये देखो अब ये भी निकल गया जी, हाँ ये भी निकल गया अर्थिंग वाला, देख सकते आप ये भी निकल गया। अब इसको क्या करेंगे हम, पॉइंट्स एक बार दबा के देखो, ऊपर की तरफ जा रहा, अटक रहा बोल तो नहीं बैठा, अगर जा रहा बोल तो बैठ गया बोले तो, अब स्क्रू लगा के टाइट कर देंगे हम इसको, दो स्क्रू लगा दो और स्क्रू ड्राइवर से अच्छे से टाइट करो, और बराबर होना, एक तरफ कम एक तरफ ज़्यादा होने से पॉइंट टच नहीं होता, मतलब वन साइड फोर्स गिरने से काम नहीं करता, दोनों को बराबर अपोजिट डायरेक्शन में अच्छे से टाइट करो, इसको और उसको बराबर बराबर दोनों को टाइट करने के बाद अब नेक्स्ट क्या करना है हमको, सॉल्डरिंग जो हम निकाले थे वो सॉल्डरिंग कर देना। ये देखो मैं ये खड़ा कर रहा है इसमें, अब मैं इसको सॉल्डरिंग करूँगा, ये देखिए सॉल्डर गर्म है और इसको मैं सॉल्डरिंग कर दे रहा हूँ, सॉल्डरिंग देख सकते हैं आप लोग, अच्छे से सॉल्डरिंग करना पड़ता है इसको, थोड़ा क्या है लेड जो वो खतील बोलते वो अच्छा लगाना, ताकि बाद में अगर ये गर्म भी हुआ तो छोड़ना नहीं। ये हो गया वन साइड का, और ये दूसरी तरफ का वो मेन था, और ये अर्थिंग है देखिए, ये वाला छोटा वायर है, छोटा वायर नहीं मतलब बराबर है, ये अर्थिंग है, और वो बड़ा क्यों हुआ बोलते, हम अपने हिसाब से निकाले थे, हमको मतलब मालूम नहीं था कि कितना काटना, इसलिए बड़ा हो गया, ओके ना। ये अर्थिंग वायर है, मतलब वायर बड़ा नहीं रहता, बराबर ही रहता, ये कंपनी से आया बोल के बराबर है, वो हम निकाले अंदाजे पे निकालने से बड़ा हो गया। ये देखो सॉल्डरिंग हो गए दोनों, अब ये जो बचा हुआ वायर है इसको कटर से काट दो या कैसा भी करके काट सकते हो, मेरे पास कटिंग ब्लेड था मैं काट दिया। देखो अब इसको क्या करेंगे हम, फाइनली अब हम चेक करना है कि काम कर रहा है या नहीं। तो मैं सबसे पहले स्प्रिंग लगा दिया, और ये पिस्टन है, पिस्टन भी लगा दिया। अब क्या है, बैटरी के दो वायर लेंगे प्लस और माइनस, ये जो बोल्ट के साथ लगा हुआ वायर है जुड़ा हुआ वो अर्थिंग है मतलब माइनस नेगेटिव, और ये क्लिप के साथ जो है वो पॉजिटिव प्लस मेन वायर, ये देखो काम कर रहा है अच्छे से, देख सकते हैं आप। और अब ये पॉइंट्स चेक करेंगे टच हो रहे या नहीं, एक बार अंदर की तरफ दबाओ फिर देखो स्पार्क आ रहा तो सोलनर स्विच कम्प्लीटली ओके हो चुका है। तो दोस्तों उम्मीद है कि ये आज का ये वीडियो आप लोगों को पसंद आया होगा, अगर पसंद आए तो यार प्लीज़ एक लाइक ज़रूर करना, ऐसे रिपेयरिंग वीडियोस बनाने के लिए बहुत टाइम लगता है और बहुत मेहनत लगती है, और एडिटिंग में भी बहुत टाइम जाता है, बार बार कटिंग एडिटिंग करते रहना पड़ता है। सो उम्मीद है आप इस वीडियो को एक लाइक ज़रूर करेंगे और शेयर ज़रूर करना भाई जिन लोगों को इस वीडियो की ज़रूरत हो, और चैनल पर अगर नए हो या अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया हमारा चैनल तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लो, आपको यहाँ इसी तरह के इलेक्ट्रिकल फील्ड के मतलब व्हीकल्स का जो इलेक्ट्रिकल मतलब जो भी काम है इसकी इससे नॉलेजेबल हर वीडियो आपको मिलेगा। अगर आपको कोई सी वीडियो की किसी चीज़ की ज़रूरत है तो नीचे कमेंट में हैशटैग नवीद इलेक्ट्रिशियन लिख के अपना कमेंट ज़रूर लिखे, मैं इंशाल्लाह 2-3 दिन के अंदर अंदर आपके कमेंट के ऊपर ज़रूर वीडियो बनाकर पब्लिश करूँगा। तो उम्मीद है आज का वीडियो पसंद आया होगा, प्लीज़ एक लाइक तो ज़रूर करना भाई लोग।